वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया है, जिसके लिए आप लोगों को ये सब इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। स्लाइस ब्रेड, मक्खन, अमूल मैंने लिया है, आप कोई भी वैरायटी का ले सकते हैं। यहाँ मैंने चीज़ को ग्रेंड कर लिया है, और यहाँ कैप्सिकम मैंने लिया है, फिर टमाटो छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है, ग्रीन चिली, अनियन, और यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स घर ही में बनाया है, अभी होम में बना सकते हैं एज योर विश। मुर्गी का मिक्सचर, चाट मसाला, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, और यहाँ सॉल्ट टू टेस्ट लिया है मैंने, और टमाटो केचप भी आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तो मैं अपने कटे हुए वेजीज को इसमें डालूंगी और फ्राई करूंगी जब तक ये सही से रेडी ना हो जाए। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सॉरी फॉर द डिले, मैं बहुत दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ, तो सॉरी, लाइक कर देना। हल्का फ्राइनेस आ चुका है, तो इसे एक छोटे से बॉल में आप लोग निकाल लें। लोगों ने अपने वेजीज को अलग कर लिया है, फिर मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, फिर यहाँ मैंने ब्लैक पेपर डाला है, फिर रेड चिली पाउडर, फिर इसमें मैंने जीरा गोलकी का पेस्ट डाला है, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, और चाट मसाला इज रिक्वायर्ड गाइस। लोग इसमें चिली ऐड करेंगे, द मेन पार्ट ऑफ दिस रेसिपी। हम लोग ब्रेड में टमाटो केचप लगाएंगे। धीरे कर कर इसमें सब वेजीज अच्छे से रखेंगे, पूरे स्पाइसेस को एक एक करके ब्रेड में डाल देंगे। ब्रेड को अच्छे से तैयार कर दिया है, अब मैं तवे गरम है उसमें मैं मक्खन डालूंगी ताकि वो चिपके ना और अच्छे से फ्राई हो जाए बिना जले। हम लोगों का ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, आप इसे केचप या चाट मसाला किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।